1984 के कानपुर के अंदर जो कतलेआम होए उसकी लंबी लड़ाई लड़न तो बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 2019 एक SIT बनवाई जिस दुबारा मुकदमे दर्ज होए और केसों की खंगाल शुरू हुई। मैं अच्छे बात करदा देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जिन्हों के अथक प्रयासा सदके वह जोड़े केस तो खुले ही पर हूँ जोड़े लोग आराम ना घर बैठे हुए से उन्होंने फड़ फड़ के जेलों चाने शुरू हुए। अज चार लोगों इस निराला नगर के अंदर जिते एक परिवार के लोगों कतलेआम कर दिता गया चार लोगों को अरैसट किया जिदे अंदर सैफुल्ला खान बप्पन बब्बन ते लंबू उफ नचिया नाम के चार लोग जोड़े से इन्हों SIT ने गिरफ़्तार किया हुणे और बाकी एक जिहड़ा फरार आ। आने वाले दिनों के अंदर कानपुर के अंदर जिहड़ा सिखां का कतलेआम होया सी एक एक बंदे नूं लभ के ते SIT दे हवाले करना और उन्होंने सजावां दवाना इहदे वास्ते असीं वचनबद्ध सां और इस तरह इस लड़ाई में लड़ते रहांगे। इस कामयाबी के वास्ते मैं सारे उन्होंने लोगों का धन्यवाद करदा जिन्होंने इस लड़ाई में साडे नाल लड़िया।